हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिस्टर रेडिएशन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट, बट आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स कोई भी धमाका नहीं होने वाला, टेंशन मत दीजिए। क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी तीन वीडियो अपलोड किया उसमें देखा आपने कि मैंने धमाका किया, बट आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग करने वाले कोको कोला के साथ एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आपको पता, कोको कोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर उसके अंदर नमक वगैरह डालता है तो उसके अंदर जाग फॉर्म होता है। बट अगर आज कोको कोला के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो क्या होगा? जैसा बेकिंग सोडा को आप कुकिंग सोडा के नाम से भी जानते, तो क्या होगा आज की इस वीडियो में आपको वही चीज़ दिखाने लगा। जब कोको कोला के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? जाग फॉर्म होगा या कोई फाउंडेशन निकले, जो भी फ्रेंड मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग के पास ये रहा कोको कोला जिसमें हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं, और ये रहा हमारे पास बेकिंग सोडा जिसके जो हम लोग इस कोको कोला के अंदर डालने वाले। तो चलिए मैं डालता हूं और दिखाता हूं क्या होगा रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब मैंने कोको कोला के अंदर बेकिंग सोडा डाला तो फाउंडेशन निकला, थोड़ा हिस्सा ही निकला। बट अगर ये बड़े कोको कोला के अंदर करते हुए साथ बड़ा फाउंडेशन निकला, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं बड़े कोको कोला के अंदर करूँ तो कमेंट में जरूर बताएगा। तो आगे हम लोग बड़े कोको कोला में बहुत सारे कोको कोला के साथ करेंगे रिएक्शन, जो काफ़ी देखने में मजा आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।